गत बृहस्पतिवार को हमारे एक कर्मी जो कि हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए गए हैं, उनकी कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसके बाद हमने उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और उससे 30 लोग के और नाम प्रकाश में आए जिनकी हम लोगों ने टेस्टिंग कराई और आज उनकी रिपोर्ट हम लोग को मिली है। तो उन 30 में से 5 लोग ऐसे हैं, यानी कुल 6 लोग हो गए जो कोविड पॉजिटिव आए हैं और वो 112 में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के इलाज का प्रबंध कराया गया है और आगे और कराया जा रहा है। परिवार की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, लेकिन नियमों के अनुसार 48 घंटे के लिए 112 मुख्यालय की बिल्डिंग को हम लोग बंद कर रहे हैं और यहाँ पे नगर निगम के सहयोग से बहुत गहराई से सफाई और सैनिटाइजेशन कराई जाएगी और इसके बाद हम लोग यहाँ की सेवाएं दोबारा शुरू करेंगे। इस बीच में 140 ऐसी संवाद अधिकारी हैं जिनके घर पे हम कंप्यूटर देने में सफल हुए हैं, वो अपना काम करती रहेंगी और हमारी प्रयागराज में भी एक केंद्र है, वो भी अपना काम करता रहेगा। लेकिन ऐसा संभव है कि 112 पे आप फ़ोन मिलाएं तो कुछ देर आपको वेट करना पड़े, तो संयम रखिएगा, वेट करिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जनपद में सीधे अगर 1073 1073 मिलाएंगे तो जनपद नियंत्रण कक्ष पे फ़ोन मिलता है और वहाँ से भी आपको पुलिस की मदद मिल सकती है। तो कुल 48 घंटे के लिए सेवाएं हमारी थोड़ी प्रभावित रह सकती हैं, हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए और आपसे अनुरोध है कि जो विकल्प हमने दिए उनका भी प्रयोग करें।